देखिए ये जो बाग है उसको अस्तर वाले को सामने सामने पहले रख दीजिए। फिर मैंने इस टाइप से जो कोई कॉर्न रहेगा आपके पास, तो ऐसा ये फेविकॉल का कॉर्न है, तो आप किनार किनार पे इसके हल्के हल्के नीचे पहले पेपर बिछा दीजिए ताकि अपनी टाइल गंदी नहीं हो, लादी गंदी नहीं हो। इसके किनार किनार पे मैंने हल्की हल्की टिपकी लगा दी है, इससे फिर आपको स्टिचिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ब्लाउज सिलना ही रहेगा। देखिए मैंने गम लगा दिया है, अभी इसके जो साड़ी का भाग रहेगा ब्लाउज का, उसका सीधा भाग इधर रख दीजिए और इसके ऊपर अच्छे से रख दो। आपको मार्केट में कौन आराम से मिल जाएगा 10 रुपये वाला, जो फेविकॉल कौन बोलने का या ट्यूब बोलने का, आपको दे देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है अभी इसको। देखिए मैंने दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख दिया है, तो आप इस पर अपना हाथ मत लगाइए। आपके पास जो एक्स्ट्रा कोई कपड़ा काप में से निकलता है, कटिंग करते हैं तभी वो बचता है, उस कपड़े से देखिए आप आराम से उसको, ताकि आपका हाथ चिपके नहीं, वापिस एक से दूसरी जगह लगे नहीं। इसको बस ऐसे चिपका दीजिए और चिपका के उसको उल्टा करके साइड में रख दीजिए सुखाने के लिए। एक एक करके सब पार्ट में ऐसा ही चिपका दूंगी। ये देखिए ये वाला सामने रखेंगे, देखिए आप गम कभी भी लगाओ तो किनार पे लगाइए, सेंटर में बीच में मत लगाना, क्योंकि ये गम सिलाई में चला जाएगा और सूख जाने के बाद में कोई दिखेगा भी नहीं। ये देखिए अभी चिपकाने के बाद में मैं साड़ी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ये अस्तर के अकॉर्डिंग काट देंगे। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आपको मैं नए नए वीडियो भेजूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें आप लोग, ताकि मुझे भी हिम्मत बनी रहे अच्छा अच्छा वीडियो भेजने की। धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए मैंने ये जो साइड का भाग था वो सब कट कर दिया है साड़ी का, और अभी चिपकाने के बाद पूरा देखिए सिलाई मारने की अपने को ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल सल वल नहीं आए हैं। ये देखिए सब पार्ट मैंने अच्छे से साइड से कटिंग करके उसको सेट कर दिया है। तो आप इसी तरह से, आपको अगर चिपकाने का रहे तो आप ऐसे चिपका के अच्छे से उसको साइड से कटिंग करके अब आराम से सिल सकते हो, और सिलाई का आपको सेट हो तो आप किनार किनार पे सिलाई लगा सकते हो, तो चिपकाने की ज़रूरत नहीं है।